हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गणेश म्यूरल बनाने का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। ये क्ले टाइल्स है, एक प्लाईवुड सरफेस का ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया हाफ इंच थिकनेस का, और इसके ऊपर मैंने फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ। आपका पास इमेज होगा तो बड़ा करके ड्रॉ करके आप इसको पेपर को रख के आप टेंसिल कर लीजिए, क्योंकि ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। ड्राइंग जितना सुंदर होगा आपका काम भी उतना सुंदर होगा। तो पूरा ड्राइंग को आप पहले अच्छा करके ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये ड्राइंग फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा, है ना। चलिए, मेरे पास गंगा मिट्टी है, जो मिट्टी में मैंने टाइल्स बनाया सेम मिट्टी है, मॉइस्चर भी सेम है। तो मिट्टी लगाने का प्रोसेस तो सेम है जैसा अदर्स म्यूरल के ऊपर मैंने काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे मैंने बॉडी से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स जो है ये डिपेंड करेगा आप कौन सा जगह ज़्यादा मिट्टी लगाएंगे, कौन सा जगह में आपको कम मिट्टी लगाना पड़ेगा। और आपको ध्यान देना पड़ेगा आप जो मिट्टी लगा रहे हैं तो ड्रेपरी का हिसाब से, कपड़ा का फोल्ड का हिसाब से, है ना, बॉडी का एनाटॉमी का हिसाब से आप पहले से मिट्टी लगाना स्टार्ट करें तो आपका काम भी अच्छा होगा। मतलब 30% काम आपका हो जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी ऐसा नहीं है कि आप ड्राइंग के ऊपर आप पूरा भर दिया और लेवल कर दिया। यहाँ पे आदर्श जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी मिट्टी लगाइए। फ्रेंड, आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं। आज मेरा एक भैया का एक चैनल है बिजनेस लाइव बोल के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ये मेरा स्टूडियो में आज विजिट किया था, पूरा डिटेल वहाँ पे आर्टवर्क दिखाया मैंने, कौन सा काम होता है, किस टाइप का काम होता है, पूरा मैंने दिखाया। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी एक बार देख लीजिए वीडियो को। तो वहाँ पे मेरा जो आर्टवर्क का चल रहा है काम, जो प्रोजेक्ट हो गया, जो कस्टिंग हो गया, तो ये सब रिलेटेड काम आप देख पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिजनेस लाइव का लिंक दे देता हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मिट्टी लगाना देखिए, बॉडी में जैसा मिट्टी मैंने, जिस लेवल पे मैंने मिट्टी लगाया उसके ऊपर भी जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे ज़्यादा रिलीफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 3D टाइप का बना दिया तो यहाँ पे क्या मुश्किल होगा, आपका मोल्डिंग में मुश्किल होगा, लॉक होने का चांसेस है, रिप्रोडक्शन जब करेंगे उसमें प्रॉब्लम है, जब फ्रेमिंग होगा, है ना, जो डिस्प्ले होगा तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकते हैं। रिलीफ काम में आपको मिनिमम रिलीफ करके मैक्सिमम एसेंस इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। ये हैंडमेड स्क्रैपर है, या ऐसे जीआई वायर होता है ना, तो इसको बेंड करके मैंने बना लिया। तो आप लोग भी ऐसा बना लीजिए अपना हिसाब से और ये आपका काम पे आएगा। ये स्पॉन्ज हल्का सा पानी लेकर पूरा स्मूथ करते जाइए बीच बीच में,
और फिर से देखिए, ये मेरे पास बेम्बो टूल्स है, आपका पास जो भी टूल्स होगा उससे आउटलाइन जो है इसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जो ड्राइंग आपने बनाए थे ये ड्राइंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसको फॉलो करेंगे तो आर्टवर्क जो आप मतलब जो ड्राइंग आप फॉलो कर रहे हैं सेम वही आर्टवर्क आपका पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ड्रैफरी है, मिट्टी भी उसी प्रोसेस में लगाया था, है ना। अभी क्या, ये छोटा सा जो चेयरी है, स्क्रैपर है, इससे मिट्टी को स्कूप कर लीजिए और स्पॉन्ज लेकर हल्का हल्का करके स्मूथ कर दीजिए, तो ये ड्रैपरी का फिनिश आ जाएगा। यहाँ पे फिंगर्स भी देखिए, एक्स्ट्रा ऐड ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसे ही स्कैपर से स्कूप करके उसको बना लेता हूँ। देखिए एक एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक एक पार्ट को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, तभी आप एक सुंदर काम हो सकता है। आईज को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, है ना, तो इसमें मेजरमेंट दोनों साइड एक मार्क करके उसके बाद ड्रॉ कर लीजिए और हल्का सा मिट्टी यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, नहीं तो देखिए यहाँ पे ना मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप का आँखों का मतलब जो स्टाइल है बनाने का तरीका है ये दिखाता हूँ, तो आप लोग को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे जितना ये डिटेल काम है फिर भी मैं दो तीन टूल्स यूज करके पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मिट्टी आपका पास अवेलेबल, जो भी मिट्टी होगा उसको प्रोसेस कर लीजिए, और टूल्स भी दो तीन टूल्स आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, और नहीं तो बेम्बू टूल्स आप घर में बना के ऐसा काम कर सकते हैं। क्राउन बनाने का देखिए, यहाँ पे कुछ स्कूप करके डिज़ाइन बना लेता हूँ, बाकी जहाँ पे रिलीफ बनाना है तो वहाँ पे भी रिलीफ करके भी बना सकता हूँ, तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ जो डेकोरेटिव क्राउन कैसे बनाएं। जैसे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी को ऐड करके इसको कर्विंग करके डिज़ाइन बनाता हूँ, तो देखिए इसको कैसे बनाएं। मेरा जितना भी काम है मैं मोल्ड यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सीखना भी है, क्योंकि आपका पास तो मोल्ड नहीं है तो कैसे बनाएं, तो पूरा फ्री हैंड दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ, और डिज़ाइन कैसा ईजी प्रोसेस भी आप बना सकते हैं। चलिए हाथ में भी कैसे डिज़ाइन बनाते तो उसको भी दिखाता हूँ। जैसे एक कॉयल बना दिया,
बीच में गोलाई गोलाई छोटा सा बॉल टाइप का ऐड कर दिया। दूसरा और एक कॉइल डाल दिया और इस साइड से और एक मोटिव्स ऐड कर दिया। तो ये हो गया बेसिक एक स्ट्रक्चर। अभी इसमें टेक्सचर डाल के अब डिटेलिंग कर लीजिए। तो ये जो डिज़ाइन है, जो भी मैं मूर्ति बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जितना भी डिज़ाइन मैं बनाया सब फ्री हैंड। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मोल्ड का ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जैसा बैठने का जो सिंहासन है, तो इसका भी डिज़ाइन देख लीजिए एक बार। सिंपल कुछ मोटिव्स यूज करके बहुत ही यूनिक एक डिज़ाइन सिंहासन बन जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट को भी देखिए, जो लोटस पपड़ी टाइप का फॉर्म है, ये भी ऐड मिट्टी का ऐड ना करके, मतलब जस्ट स्कूप करके कैसे बनाएं। ये जो आर्टवर्क कंप्लीट हो रहा है, इसका भी फाइनल प्रोडक्शन भी आप लोग देख पाएंगे। मेरा जो लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिजनेस लाइव बोल के, ये वीडियो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। वहाँ पे मेरा जो आर्टवर्क चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन है, पूरा स्टूडियो घुमा के दिखाया, ये चैनल आज मेरा स्टूडियो में विजिट किया था, तो एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कॉयल डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर आप बना सकते, पूरा फ्री हैंड। पहले कॉयल करके डिज़ाइन आप बिठा दीजिए। बाद में एक स्पॉन्ज लेकर पर थोड़ा पानी से उसको लगा के हाथ से आपको जो सरफेस है स्मूथ करना पड़ेगा। तो ये सरफेस ऊपर से स्मूथ हो जाएगा, तब जो एक टूल्स लेकर, बैम्बू टूल्स हो आपका पास अवेलेबल, जो भी टूल्स हो, उससे बॉर्डर लाइन जो है उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने का बाद फिर से स्पॉन्ज से इसको एक बार स्मूथ कर दीजिए। तो ऐसे आप बहुत अच्छा अच्छा सुंदर कॉल का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी छोटा छोटा कुछ डिज़ाइंस है जो मैंने स्कूप करके कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे कुछ टेक्सचर जहाँ पे वॉल्यूम और भी अच्छा लगे, सुंदर लगे, जब कलर करेंगे तो इसमें भी टेक्सचर आ जाए तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेटेलिक कुछ कलर करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही छोटा डिटेल काम है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आईबॉल बनाने का यहाँ पे देखिए, छोटा सा स्कैपर लेकर, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा नहीं करेंगे, आईबॉल को यहाँ पे दो तीन लाइन पे कंप्लीट करेंगे। ये आपका आर्टिस्ट काम कर रहा है, देख लीजिए। तो फ्रेंड, मेरा साथ रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए मेरे को,
मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सबको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और कैसा पूरा वीडियो जो आदर्श मेरा चैनल में अपलोडेड है कैसे देखें, एक बार प्लीज़ देख लीजिए। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोज़ आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।